हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग भी अपनी फ़ोटो को कुछ इस तरह से एडिट करना चाहते हैं मूडी ग्रीन टोन में लाइट रूम ऐप की मदद से ओनली, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अभी तक हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप हमको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको लाइट रूम ऐप के अंदर फ़ोटो को इम्पोर्ट कर लेना है, फिर इसमें हम पहले लाइटिंग को एडजस्ट कर लेते हैं। लाइट वाले ऑप्शन चलेंगे और एक्सपोजर को थोड़ा इसमें कम कर देंगे। फ़ोटो में ब्राइट ज़्यादा है इसलिए इसमें एक्सपोजर को हम थोड़ा कम कर देते हैं और फ़ोटो में कंट्रास्ट को हम थोड़ा इंक्रीज कर देंगे 40 के अराउंड, और हाईलाइट को इसमें थोड़ा कम कर देंगे ताकि फ़ोटो हमारी थोड़ी डार्कनेस बने, और शैडो को थोड़ा हम इसमें इंक्रीज कर देंगे हल्का सा। वाइट को एडजस्ट कर लेते हैं, वाइट को थोड़ा कम कर देना है, ब्लैक को थोड़ा इंक्रीज कर देना है। फिर आएंगे हम यहाँ से टेम्परेचर वाले ऑप्शन पर, टेम्परेचर को हम थोड़ा इसमें इंक्रीज कर देंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे थोड़ा सा, और टिंट को हल्का माइनस कर देंगे। वाइब्रेंस को इसमें हम थोड़ा इंक्रीज कर देंगे 40 के अराउंड, सैचुरेशन को 4% माइनस कर देंगे। फिर आएंगे यहाँ से मिक्स वाले ऑप्शन पर, मिक्स कलर वाले पर, पहले वाले का सैचुरेशन जो है वो हम थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, इसमें पहले वाले का सैचुरेशन और ल्यूमिनेंस थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। फिर सिंपल हम यहाँ से आएंगे सेकंड वाले कलर पर, ऑरेंज कलर पर, जो स्किन का कलर है उसका सैचुरेशन थोड़ा माइनस करेंगे और ल्यूमिनेंस को थोड़ा हम इंक्रीज कर देंगे ताकि फेस पर जो है थोड़ा लाइट हो जाए, फेस पर थोड़ा ब्राइटनेस आ जाए। फिर सिंपल हम आएंगे येलो वाले ऑप्शन पर, इसका सैचुरेशन को हम फुल इंक्रीज कर देंगे और ल्यूमिनेंस को थोड़ा कम कर देना है। फिर आएंगे यहाँ से ग्रीन वाले पर, इसका भी सैचुरेशन हम फुल इंक्रीज कर देंगे, ह्यू को थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, ल्यूमिनेंस को थोड़ा कम कर देना है, ह्यू को जो है थोड़ा एडजस्ट कर लेना है। देख लीजिए इतना ग्रीन टोन फोटो में लाने के लिए, इसका भी येल्लो का भी ह्यू देख लीजिए कुछ इस तरह से कर लेंगे। सिंपल ये करने के बाद आपको सिंपल ये ब्लू वाले कलर पर आना है, आपको ल्यूमिनेंस थोड़ा कम कर देंगे, ब्लू वाले कलर पे आना है, सैचुरेशन थोड़ा माइनस कर देंगे, इसका भी सैचुरेशन थोड़ा माइनस कर देंगे। सिंपल यहाँ से डन कर देना है, इन दोनों कलर को कुछ नहीं करना है लास्ट के। ग्रीन का ल्यूमिनेंस थोड़ा और कम कर लेना है ताकि फोटो में थोड़ा डार्कनेस आ जाए, सैचुरेशन भी कुछ इस तरह से हम एडजस्ट कर लेंगे, देख लीजिए आप। सिंपल यहाँ से डन कर देना है। फिर हम यहाँ से आएंगे डिटेल्स वाले ऑप्शन पर, पहले क्लियरिटी को हम इसमें थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे, क्लियरिटी को थोड़ा इंक्रीज करने के बाद विनियर को हम थोड़ा कम कर देंगे और फेदर को थोड़ा इंक्रीज कर लेना है। फिर शार्पनिंग को इसमें हम इसमें नॉइज डिटेक्शन को पहले इंक्रीज करेंगे थोड़ा सा, और ताकि नॉइज़ फोटो में ख़त्म हो जाए, और कलर नॉइज रिडक्शन को भी थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। शार्पनिंग को भी 24 के राउंड कर लेना है। और देख लीजिए मास्किंग का हम यूज करेंगे, जहाँ पे बिल्कुल वाइट रहेगा वहीं पे मास्किंग वहीं पे करना है आपको, शार्पनिंग वहीं पे काम करेगी सही से। फिर आएंगे हम कलर ग्रेडियंट वाले ऑप्शन पर, यहाँ से पहले वाले को हम साइडो को जो है हल्का ब्लू टोन पर रखेंगे और ब्लेंडिंग इसका फुल कर देंगे 100, और फिर हमको आना है थर्ड वाले पर हाईलाइट पर, इसको हम हल्का ग्रीन की तरफ रखेंगे कुछ इस तरह से ताकि फ़ोटो में ग्रीन टोन हल्का रहे, देख लीजिए आपको फ़ोटो के हिसाब से कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। करने के बाद यहाँ से ल्यूमिनेंस को थोड़ा कम कर लेना है, सिंपल यहाँ से डन कर देना है। फिर यहाँ से सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर आएंगे, सेकंड वाले सिलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे फेस पे हल्का कुछ इस तरह से करेंगे, देख लीजिए आप। फिर हम यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पर चलेंगे, टिंट को हल्का इंक्रीज कर देना है आपको ताकि फेस में जो हल्का ग्रीन कलर आ गया है वो एडजस्ट हो जाए, कुछ इस तरह से कर लेना है आपको, बढ़ा देना है। सिंपल यहाँ से आपको कर देना है डन, डन कर देना है। देखिए बिफोर और आफ्टर फोटो हमारी बन चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।